गुरुग्राम के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचे सीएम मनोहर लाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधते हुए बोले कि केजरीवाल मदारी है, अब उनके डमरू के बहकावे में जनता नहीं आएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी की नीतियों के चलते इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सीएम मनोहर लाल खट्टर पिछले कुछ दिनों से दिल्ली चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में जब सीएम मनोहर लाल आज गुरुग्राम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली की जनता बीजेपी की सरकार बनाने जा रही है, केजरीवाल तो केवल मदारी है। लेकिन इस बार मदारी केजरीवाल के डमरू के सामने अब जनता बहकावे में नहीं आएगी। दिल्ली की जनता काफी समझदार है, भले ही केजरीवाल कितने वादे कर ले, जनता जानती है कि जो भी वादे केजरीवाल ने किए हैं वो सभी झूठे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के कंधों पर पैर रखकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं, लेकिन इस बार जनता जान चुकी है कि दिल्ली का विकास कौन करा सकता है। देखिए, दिल्ली के लोगों का मूड परिवर्तन का वैसे तो 2015 में भी था, लेकिन एक धोखा दिल्ली की जनता से हो गया। अन्ना हजारे की पीठ पर चढ़ करके ऐसा एक मदारी पहुंच जाएगा जिसका किसी को भरोसा ही नहीं था, क्योंकि अनुभव किसी का नहीं था। अनुभव होने के बाद आज दिल्ली के लोग अपने आप को ठगा ठगा ऐसा महसूस कर रहे हैं और इस बार फिर वैसे ही परिवर्तन का मूड जैसे 2015 में था, इस बार दिल्ली की जनता का मूड है, क्योंकि पहले कांग्रेस से तंग आए थे, परेशान हुए थे, अब वो आम आदमी पार्टी से परेशान हुए हैं। देश भर में जैसा माहौल बना है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उसी प्रकार का माहौल आज दिल्ली में भी बना है और दिल्ली में बहुत तेजी से चेंज आया है और इस चेंज के बाद कोई इसमें शंका की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार न बनाए, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, ऐसा मेरा अपना मत जो बना है वही बना है। सामने नहीं आया, एकदम सिद्ध हो चुके हैं कि इस प्रकार के विषयों को अपनी चुनावी लाभ के लिए इस घिनौनी मानसिकता को लेकर के वो चल रहे हैं, जैसा वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि शाहीन बाग के अंदर प्रदर्शनकारियों के ऊपर किसी ने गोली चलाई, उसे तो करना चाहते हैं कुछ और, हो गया कुछ और। उनको नहीं मालूम था कि पुलिस इस प्रकार से इस छानबीन में इस नतीजे तक पहुंच जाएगी कि उस जिसने गोली चलाई उसके अपने मोबाइल में से आम आदमी पार्टी के जो सारे रिकॉर्ड मिल गया और डाटा मिल गया, फोटोज मिल गए, उसमें सिद्ध हो गया कि 2019 में उनके पिताजी तो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ही हैं, वो खुद भी आम आदमी पार्टी के सदस्य मिले हैं, उनके अधिकारियों को द्वारा उनको टोपी पहनाई जा रही है, उनको सम्मानित किया जा रहा। तो इस प्रकार के काम करने वाले व्यक्ति किस प्रकार का खेल खिलवाड़ कर सकते हैं, ये उसमें सिद्ध होता है।